दोस्तों आज का ये पार्ट हमारा शुरू होता है शिलोंग से। हमने प्रोग्राम बना था कि हम चेरापूंजी जाएंगे, लेकिन जैसे हम चेरापूंजी के लिए निकले तो हमें पता चला कि चेरापूंजी में काफ़ी बरसात हो रही है और जीरो विजिबिलिटी है और रोड क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से रोड बंद है। जब ट्रैफिक एडवाइजरी हमको मिली तो हमने सोचा कि लेकिन हम फिर भी कम से कम शिलोंग से 10 किलोमीटर आगे तक बढ़ गए थे। लेकिन इसमें एक समस्या क्योंकि हमारी जो बुलेट थी उसके ब्रेक जाम हो गए थे, तो जिससे उसको चलाने में दिक्कत हो रही थी। फिर हमने ऑथराइज सर्विस सेंटर को तलाश किया लेकिन वो नहीं मिल रहा था, तो हम वापसी शिलोंग की पैलेस को ठीक कराएंगे तब चलेंगे। तो जब हम सर्विस सेंटर पर पहुँचे तो वहाँ पर ही हमको एक लोकल वहीं के रहने वाले थे सर्विस सेंटर पे, उनने बताया कि चेरापूंजी तो अभी बंद कर रखा है ट्रैफिक रोड क्योंकि लैंडस्लाइड हो गई थी। तो फिर हमें वहाँ पे काफ़ी समय लगा, लगभग 1.5-2 घंटा कंप्लीट करने के बाद में जब हमारी बुलेट सही हुई तो फिर हमने अपना प्लान बदला कि अब हम चेरापूंजी नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर अभी जीरो विजिबिलिटी थी और रोड अभी पता नहीं खुले ही नहीं होंगे। तो हमने वहाँ से फिर अपना जो रोड है रूट है वो फिर हमने तवांग की ओर कर लिया। तो अब हम वहाँ से चलते हैं शिलोंग से तवांग के लिए। तो ये कि हमारा जो रूट वही है कि पहले गुवाहाटी तक जाएंगे, हालांकि गुवाहाटी से पहले ही राइट साइड में नौगांव की तरफ को रूट जाता है जो तेजपुर हाईवे है उस पर जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमने शिलोंग में काफ़ी टाइम निकाल लिया था तो ये है कि हम तवांग तो नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ की दूरी काफ़ी है। तो जब वापसी आए तो हमने फिर वही उमियांग लेक पे कुछ फ़ोटोज लिए, कुछ उसके बारे में डिटेल्स देखी। तो फिर ये आप व्यूज देख रहे हैं उमियांग लेक के हैं व्यूज। ये हमने यहाँ पे 1/2 घंटे करीब वक्त बिताया, फ़ोटोज लिए, थोड़ा घूमे और देखे यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है सारा कि टूरिस्ट के लिए जनरल पब्लिक के लिए नोटिस है उमियांग लेक के लिए। काफ़ी बड़ी लेक है ये। जब हम गुवाहाटी से शिलोंग गए थे तब भी हमने आपको व्यू दिया लेकिन वो दूर जगह था। अब आप सामने देख सकते हैं कि ये बोट है, उसमें आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी बड़ी ये लेक है उमियांग लेक जो शिलोंग और गुवाहाटी के रास्ते में पड़ती है। हालांकि हमें वापसी आना पड़ा लेकिन हमें आगे जाने के लिए क्योंकि 2-3 जगह स्पॉट काफ़ी है यहाँ पे। एक तो रूट ब्रिज है नारगियों का, एक जगह जहाँ से सनराइज का नज़ारा देखा जाता है लेकिन मानसून का मौसम है, बादल है, तो इसलिए वो इन दिनों में नहीं देख सकते। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है सनराइज का, काफ़ी लोग वहाँ पे देखने आते हैं। शिलोंग से अगर वहाँ के जाने के लिए हमें सुबह निकलना होता है 2-2.5 बजे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे सनराइज होता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हम वापसी जैसे रोड चले थे, रोड देखिए मौसम की वजह से गीले हैं, हालांकि मौसम सुहावना है और काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है, गर्मी तो बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रही है जैसी हमें बिहार में मिली थी। हालांकि हम वापसी आ रहे हैं मेघालय के ही है, मेघालय से जब हम क्योंकि दोबारा आसाम में एंट्री करेंगे तो आसाम एक प्लेन एरिया है, वहाँ पर फिर हमें गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी हम मेघालय में ही हैं जो आप देख रहे हैं, जिस रूट से हम गए थे अभी वापसी हम उसी रूट से आ रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, सफ़र का आनंद लीजिए और देखिए। Thank you.
शिलोंग से जब हम गुवाहाटी वापसी आ रहे हैं तो आप देखते हैं कि एक छोटी नदी है जिसके साथ साथ ये रोड है, और ये रोड पर छोटे छोटे गांव बने हैं और दुकानें भी हैं रोड पर, काफ़ी अच्छी यहाँ पे सड़कें हैं वैसे तो, और आप रोड के किनारे दुकानें भी हैं, तो ये छोटे छोटे गांव हैं जो गांव में सड़कों भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। आप यहाँ पे लोकल फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ का। We'll be right back.
तेजपुर वाले हाई पर जैसे बढ़ रहे तो हमें एक ये दुकान मिली। यहाँ पे सभी सामान जो है ना हमने देखा। नारियल है क्या? ये कैसे दे रहे हो? हैं क्या कर सकते हो? जाते हैं तो भी दाम आना तो कितने का लगाएगा आपको? दो नारियल, दो नारियल कितने का? कम नहीं होगा? पूरा वो ले लें, पूरी शॉप का ले लें। एक एक रूम जा रही तेरा वो ले फोन निकाल। फोन फोन क्या कहाँ है? फोन बात कर दे उसके ऊपर। आइए अंदर आइए। आप देख रहे हैं सभी सामान जो भी है दुकान पे सभी बांस से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। अच्छे अच्छे आइटम हैं जो ले जा सकते। हमने यहाँ से सोचा कि ले जाएं, लेकिन हमारा रास्ता अभी काफ़ी लंबा था, ये रास्ते में टूट सकते हैं, इसलिए हमने नहीं लिया। सोचा कि वापस आएंगे तब देखेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे अच्छे आइटम हैं जो बांस से बने हुए हैं। यहाँ से दुकान से फिर हमने आगे का सफ़र शुरू किया। फिर ये टोल प्लाजा आ गया, हमने ये टोल प्लाजा को पार किया और हम निकल पड़े हैं तेजपुर की ओर।
ये है ब्रह्मपुत्र रिवर जो तेजपुर में बना हुआ है, यानी कि हम जब मेघालय से आए हैं तो आसाम के हाईवे से, तो ये हाईवे से हमने लेफ्ट में टर्न लिया है, तो ये फिर ये तेजपुर जाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये ब्रिज है, काफ़ी लंबा ब्रिज है और पुराना भी है। हालांकि इसके साइड में दूसरा एक और ब्रिज बन रहा है नया, इस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी यातायात इसी पर चल रहा है। काफ़ी लंबा ब्रिज है, दो तीन तीन चार किलोमीटर के करीब लंबा ब्रिज है ये, जिसको हमें काफ़ी समय लग गया। हालांकि अब रात होने वाली है, तो हम महाराष्ट्र तेजपुर में होंगे, तेजपुर में जहाँ पर होटल मिलेगा हम वहाँ पर लेंगे। हालांकि हमने पहले सोचा था कि हम बल्लीपारा में रुकेंगे, लेकिन जो काफ़ी दूर है, लेकिन इसलिए हमने सोचा कि हम तेजपुर में ही रुकते हैं। हमने तेजपुर में अपना स्टे किया और आगे का सफ़र हम कल सुबह स्टार्ट करेंगे तेजपुर से। थैंक यू दोस्तों।